ओम शून्य ब्रह्माय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सबके जीवन में कष्ट है, सबके जीवन में चिंताएं भी आते हैं। हम लोग परिस्थिति में समय के अनुसार हमको कभी दुख कभी कष्ट मिलता ही रहता है। जो कभी कभी आपको सुख का अनुभव होता है वो भी लगता है जैसे क्षणस्थायी है, कुछ समय कुछ काल के अंदर में वो भी चले जाता है। जीवन को निर्वाह करना जैसे एक बोझ जैसा हो गया। हर टाइम में नौकरी का चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, परिवार की चिंता, अर्थ उपार्जन की चिंता, ये सारे असुविधाओं में हम लोग जीवन का अतिवाहित कर रहे हैं। क्या इसका मुक्ति का उपाय नहीं है? क्या भगवान हमको संसार में केवल ही केवल कष्ट लाभ के लिए ही भेजे हैं? इनमें क्या उपाय किया जा सकता है? हम भी जीवन को कैसे आनंद में अतिवाहित कर सकते हैं? भगवान हमको इसका उपाय भी दिए हैं। हम लोग ये परिस्थिति माया के वशवर्ती होके ये सारे चीज भूल गए हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे। आपका जीवन को आनंदमय करने की चेष्टा करेंगे। अगर आप इसी को मन में ठान लें, जीवन में आपका उसी को अनुसरण करें, दुख आपको नहीं मिलेगा, चिंताओं से मुक्ति हो जाएंगे, सदा आनंद पूर्ण जीवन का अतिवाहित हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, भगवान कहते हैं संसार में जो आया उसको तो दुख मिलेगा ही, क्योंकि संसार को बोला गया है संसार दुखमय है। संसार में अगर सबको आनंद ही आनंद मिलता तो भगवान को उपलब्धि, भगवान को पाने के लिए कोई क्यों चेष्टा करता? संसार में अनित्य संसार है, कोई भी वस्तु यहाँ पे कोई भी वस्तु सदा काल के लिए नहीं रहता है। तो इनमें से जब हमको अटैचमेंट हो जाता है तो वो कैसे चिरंतन हो सकता है? वो सुख, वो जो आनंद, ये जो अनित्य वस्तु से मिल रहा है वो कैसे चिरंतन हो सकता है? जो संसार में ये चर्मेंद्रिय चक्षु से हम लोग देख रहे हैं, जितना सारे चीज़ें देख रहे हैं, ये तो मिटेगा ही मिटेगा, ये कभी नहीं था और कभी नहीं भी रहेगा। जो दिखाई नहीं देता है, जो कि है बट दिखाई नहीं देता है, वो ही तो सत्य है। इसीलिए भगवान का अगर आकार मैं बोलूं, भगवान का आकार वो तो शून्य ब्रह्म है, शून्याति शून्य ब्रह्म है। तो उनको उपलब्धि करके हम लोग कैसे चिंताओं से मुक्ति हो सकते हैं? देखिए, हमारा दैनंदिन जीवन में हम जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें बाधा विघ्न चिंता दुख शोक आना स्वाभाविक है। उससे कैसे हम लोग उसी से कैसे जीवन आनंद से अतिवाहित करें? भगवान बोल रहे हैं सरेंडर इज ओनली द की, मुझे समर्पण हो जाओ, समर्पण से ही तुम्हारा सब दुख कष्ट मिट जाएगा। कैसे? मैं इसको समझाता हूँ। भगवान को समर्पण, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कितना ज्ञान है, मैं तो प्रभु तुमसे ही सृष्टि और तुमसे ही मिट जाऊँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ जो मैं इतना चिंता कर रहा हूँ? मैं तो कुछ भी लेके नहीं आया था और कुछ लेके भी नहीं जाऊँगा। भगवान बोल रहे हैं इधर तुम जितना सारे चीज का इकट्ठा कर रहे हो, जितना चीज सारे संचय कर रहे हो, ना ही तुम लेके जाओगे ना तुम्हारे पास दो ही चीज है, तुम किसी को दे के जाओगे या रख के जाओगे।
तो मेरा कुछ नहीं है प्रभु, तुम जितना ज्ञान मुझे दिए इसी से ही मैं आगे जा सकता हूँ। हे प्रभु, मैं मेरा अतीत वर्तमान भविष्यत का ज्ञान मुझे नहीं है, मैं मेरा भविष्यत को कैसे देख सकता हूँ। जो त्रिकालदर्शी है, जो ही सृष्टा है, वो भी जानता है कि आपको आगे में क्या क्या परिस्थितियों को सामना करना पड़ेगा। तो उसी को ही समर्पण हो जाइए, उसी को ही सब कुछ समर्प दीजिए। भगवान बोलते हैं जब तुम मुझे सब कुछ समर्पण कर देता है, इसका मीनिंग है तुम भय, चिंता, शोक, दुख से तत्क्षणात ही दूर हो जाता है। समर्पण का मीनिंग ऐसा है कि यू से हे प्रभु प्लीज लुक आफ्टर देम, तो तुम सब को बारे में देखो एंड इट विल बी डन। ये हो गया। अगर भगवान को ही सब अर्पण में कर दिया, मेरा मान सम्मान प्रभु तुम्हारा ही है, अब मेरा सुख दुख चिंता, मेरा समृद्धि, मेरा ऐश्वर्य, मेरा कर्म सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं समर्पण कर दिया तुमको, तो भगवान कभी आपका बुरा नहीं कर सकते। वो पिता है, वो महापिता है, वो उसका संतान को कभी खराब नहीं कर सकता है। उसी को समर्पण कर दीजिए। और समर्पण का ट्रू सेंस, ट्रू मीनिंग ही यही है कि आप उसी क्षण से चिंता से दूर हुई है, किंतु क्योंकि आप भगवान को दिए, वो चिंता करेंगे, वो सोचेंगे व्हाई यू आर वरीड, आप क्यों वरी हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, आप सभी को किसी ना किसी समय भगवान का चमत्कार, भगवान का मिराकिल का भी उपलब्ध हुआ है। हम लोग जब किसी विपद में, आपद में, जब हमारा और कोई सहारा सहयोग नहीं दिखाई देता, तब हम भगवान को याद करने के लिए मजबूरी में भी हो भगवान को याद कर लेते हैं, और तत्क्षणात उसका उपाय, उसका निराकरण भी हो जाता है। ये आप सबके पास में उदाहरण है। तो भगवान तो है, हम लोग उनको याद नहीं किए, हम लोग हमारा दैनंदिन कर्म में, जीवन में उनको साथी नहीं किए, इसीलिए चिंता का है, चिंता कर रहे हैं। वो तत्क्षणात सरेंडर कीजिए, हे प्रभु सब तुम्हारे पास में ही समर्पण, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है तुम्हारा। मेरा अपमान होगा प्रभु तुम्हारा ही अपमान होगा, मेरे नाम से तुम्हारा नाम जुड़ा हो गया है। ऐसे जब आप बोलते हैं हे प्रभु मैं तुम्हारा और तुम मेरा और मैं कुछ नहीं जानता, भगवान तत्क्षणात भक्त को उद्धार करने के लिए, उनको सबसे प्रिय उनका भक्त है, भक्त को तो भगवान अपना सर में बैठा के रखे हैं, वो काम करते हैं। तो व्हाई टू वरीड, क्यों चिंता कर रहे हैं, आनंद में रहिए। उदाहरण भगवान शास्त्र से, हमारा पुराण से, जुग जुग से दे के आ रहे हैं। हस्ती जब कमल का सरोवर में चला गया है, मद हस्ती, विराट हस्ती, और वहाँ पे उसको वो जो क्रोकोडाइल मगर उसका पैर को पकड़ लिया है पानी के अंदर में, महाबलवान हस्ती है, फिर भी उसका ताकत, उसका बल पानी के अंदर में और नहीं हो पा रहा है। उस अपने जितना बल, जितना पावर था, सबको यूटिलाइज कर दिया, क्योंकि उसका अपने ऊपर में बहुत ज़्यादा भरोसा था, तो सब यूटिलाइज कर दिया, सबको सहाय्य, सबको भी मांग लिया, कुछ नहीं हुआ। वो सोच लिया, वो जान लिया कि अब जीवन का अंतिम समय अति निकटतर है और कोई रास्ता नहीं है। तब वो क्या करता है, उसको याद आता है वही कमल का सरोवर से एक कमल उसका सुन में पकड़ के वो अंतर्यामी भगवान नारायण को, कमलासन में बैठे नारायण को भी याद करता है। हे प्रभु अब और मेरा कोई नहीं है, मेरा कुछ भी शक्ति नहीं है, अब अगर तुम ही रखो तो रखो, नहीं तो ये जीवन यहीं पे समर्पित। तत्क्षणात गरुड़ाध्वज भगवान स्वयं नारायण आविर्भूत हो जाते हैं,
और अपना चक्र से मगर को निपात करके हस्ती को जीवन दान प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या समझ में आता है? समर्पण 100% 99% से नहीं होगा। भगवान बोलते हैं संपूर्ण समर्पण। तुम्हारे ऊपर में अभी भी अगर विश्वास आ रहा है, दुनिया के लोगों के ऊपर में विश्वास आ रहा है, इसका माने है तुम मुझे संपूर्ण समर्पण नहीं हो। भगवान बोल रहे हैं 100% समर्पण हो जाओ। तो कभी कभी मैं मिराकिल भी कर लेता हूँ मेरा भक्त को उद्धार करने के लिए। महाभारत में ये जो द्वितीय क्रीड़ा हुआ, सभा में तो राजा महाराजा मुनि ऋषि और ये महाशक्तिशाली योद्धाओं भी उपस्थित थे। द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है दुशासन के द्वारा। क्या दुशासन से शक्तिशाली और कोई जो वहाँ पे नहीं था? थे, बट सब निरुपाय है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तथापि द्रौपदी उनमें उनको भरोसा कर रहे हैं, सभी को बुला रहे हैं, आकुल निवेदन कर रहे हैं रक्षा करने के लिए। वो धृतराष्ट्र हो, अपना पति देवों हो, सबको मुनि ऋषि भीष्म को भी आकुल निवेदन कर रहे हैं रक्षा करने के लिए। लेकिन होता क्या है? कोई भी सहाय्य नहीं कर पा रहा है और वस्त्र हरण हो रहा है। शेष में द्रौपदी अपना जितना शक्ति है, अपना जितना बल है, उससे भी चाहते हैं कि ये कर्म को कैसे रोका जाए। वो अपना बल से चाहते हैं कि ये कर्म को रोका जाए वो, लेकिन उसमें तो वो सक्सेस नहीं होते हैं, उसमें तो समाधान नहीं मिलता है। शेष में सोचते हैं कि भगवान को बुलाऊं, लेकिन उतना विश्वास तभी भी नहीं आता है। एक हाथ में अपना वस्त्र पकड़ कर भगवान को बुला रहे हैं, भगवान नहीं आते हैं, भगवान तब भी नहीं आते हैं। वो देख रहे हैं भक्त मुझे कब संपूर्ण समर्पण करेगा। अब जब द्रौपदी देख रहे हैं ये मेरा बस का बात और नहीं है, दुनिया में कोई भी और मेरा सहारा नहीं है, तब ये भगवान हे कृष्ण हे श्री कृष्ण, अब मेरा मान मेरा अपमान मेरा लज्जा सब तुम्हारा है, मैं और मुझे रक्षा करने के लिए मेरा शक्ति नहीं है। दोनों ही हाथ ऊपर उठा लेते हैं, तब तत्क्षणात् श्री कृष्ण आविर्भाव हो जाते हैं, सहस्र सहस्र वस्त्र देकर द्रौपदी का मान भी रख लेते हैं। जिसका साथ भगवान उसका क्या करेगा ये इंसान, भगवान रक्षा कर लेते हैं। भगवान सब समय में उदाहरण से भी हमको समझाते हैं, मुझे समर्पण हो जाओ 100%, मुझे विश्वास करो, मैं तो तेरा उद्धार के लिए ही हूँ। तुम मुझसे भटक गए हो, तू मेरा ही सृष्टि है, तू नित्य है, तू ही चिरंतन है, तू आत्मा है, ये संसार के वशवर्ती से तू खुद को भूल गया है। जब तुम मुझे याद कर लेता है, जब तू मेरा समर्पण हो जाता है, तब तेरा खुद का जो आत्मा, तेरा खुद का जो प्रकृति है वो तुझे याद आ जाता है और मैं तत्क्षणात् वहाँ आविर्भाव हो जाता हूँ। भगवान ये हमको हर क्षण समझा रहे हैं। गाड़ी ट्रेन तो चल रहा है, कितना आदमियों को बैठा के कितना लगेज लेके ट्रेन चल रहा है। आप ट्रेन में उठ रहे हैं कहीं जाने के लिए, अगर आप सोचेंगे कि ट्रेन इतना लोडेड है, मैं अपना सामान अपना सर के ऊपर में रख लेता हूँ, थोड़ा उसको कम कष्ट होगा, ये तो ही बात हुआ। ट्रेन को तो ही लोड आया, लेकिन आपका सर भी कष्ट लिए, आपका शरीर भी कष्ट लिया, ऐसा ही बात है। भगवान सबका दायित्व लिए हैं, वो अपना कष्ट भी ले रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझकर अपना बोझ खुद उठाने का चेष्टा कर रहे हैं, इसीलिए कष्ट का दुख का प्राप्ति होता है। उनको ही समर्पण कीजिए, सब कुछ तेरा है, तत्क्षणात् दुख से मुक्ति मिल जाता है। मैं मेरा भविष्य,
मैं मेरा आगे में क्या होगा ये मुझसे भगवान ज़्यादा जानते हैं। मैं जब उनको समर्पण हो जाता हूँ वो कैसे अपना संतान का अपना भक्तों का थोड़ा सा भी कष्ट ना हो के वो कैसे उसको अच्छा से उसका समय उसका भविष्य निर्भय करेंगे, किस रास्ता में लेंगे जैसे कि मुझे कोई रोचना आ जाए वो भगवान का दायित्व हो गया। तब उनके ही समर्पण कीजिए, सरेंडर इज द ओनली की, समर्पण से ही सब कुछ समाधान है। हे भगवान उनको समर्पण हो जाइए, उनको नमन कीजिए, उनको विश्वास कीजिए, आपका सब चिंता दुख कष्ट शोक आपत सब का नाश ही होगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय।